ये देखो पहाड़ों में घर, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा। ये देखो उस साइड में आप लोग देखोगे तो उस साइड में भी पहाड़, एंड इस साइड में आप लोग देखेंगे ना। नाना जी को ये देखो, 1990s का पूल है ये। लेफ्ट साइड में है ये पहाड़, देख। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू लिटन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में सभी को स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, एंड मैं भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो अब भी सुबह सुबह उठा मैं, और सुबह सुबह उठ के मैं ये देखो जंगली वाला झाड़ू एक लिया, एंड जंगली वाला झाड़ू लेके मैं घर का जो है आंगन को सफा कर रहा हूँ। बहुत दिन हो गया ये सफा नहीं कर रहा था मैं, एक हफ्ता ना कितना दिन हो गया। बारिश ही बारिश कंटिन्यू, पूरा बारिश ही बारिश दे रहा था। तो इसी के वजह से मैंने जो है आंगन को पूरा एकदम सफा कर नहीं पाया। और आप लोगों को बता दूं, ये हम लोग का आंगन में बहुत ही ज्यादा पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा देखने मिलते हैं ना, इसीलिए बहुत ही ज्यादा पत्ते सब गिरते रहते हैं। एंड बारिश देने से तो ये करने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है, तो इसीलिए कल जो है थोड़ा धूप दिया इवनिंग के टाइम। एंड अब भी मतलब अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आज श्योर धूप देगा, तो देखते हैं क्या होता है। अभी मैं सफा कर लेता हूँ सबसे पहले तो ना। ओके, तो 30-40 मिनट्स मैंने झाड़ू लगाया, एंड झाड़ू लगाने के बाद यानी कि मैंने मेहनत किया, एंड ये मेहनत का फल इतना मिला। ये देखो बोस्ता में भी उठा दिया मैंने सुंदर से, तो अब ये जो है घिरा दूंगा मैं। A few moments later. जो भी घर में काम था ना, तो मैं वो सब निपटा के अभी मेरा दोस्त का तुरंत ही कॉल आया, और कॉल आने के बाद वो मुझे बोला कि दोस्त चलो दीवान में आज घूमने चलते हैं बोल के। मैं दोस्त का घर में ऑलरेडी पहुंच गया हूँ, मैं घर में ब्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा जल्दबाजी में था। एक्चुअली ये जा रहा है ना, ये जो है दीवान में इसका वाइफ, तुम्हारा वाइफ है ना, तो वाइफ उनके घर में ससुराल यानी कि ना। हाँ। ये भाई ने मुझे बोला चलो, तो मैं भी फर्स्ट टाइम, इससे पहले एक बार भी नहीं गया अभी तक, तो मैं भी जाके देखता हूँ कैसा है दीवान का हालत, तो वहीं पे जाके आप सभी से मिलेंगे। तो अभी बाइक का टैंकी जो है फुल करा रहे हैं हम लोग, ये देख लीजिए। पेट्रोल पंप इधर है नहीं, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही घुसाना होता है तेल डालने से, ठीक है। पहले मैं 2 लीटर डाला, अभी 2.5 लीटर डाला, टोटल हो गया 4.5 लीटर। ओके, तो अभी जैसे हम लोग का हो जाएगा डायरेक्ट पहुँच जाएंगे दीवान ना, हो जाएगा ठीक है। आते 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 हम लोग पूरा थक गए थे, एंड थोड़ा देर रेस्ट कर रहे हैं। अभी जूस बूस पी लिया, और अभी थोड़ा बिस्कुट वगैरह भी खा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को भूख लग रहा है। और अभी हम लोग रुक रहे हैं इनका वाइफ यानी कि दीदी होगा मेरा, तो रुकते 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 दीदी लोग पहुँच गया। और अभी हम लोग का जो डेस्टिनेशन के लिए निकलने वाले हैं, थोड़ा देर रेस्ट किया ये लोग, और हो गया। हम लोग तो ऐसे बहुत देर से रेस्ट कर रहे थे, तो अभी चलिए चलते हैं डायरेक्ट अभी। तय हो मतलब आनंद और ना ही। अच्छा नाना जी को ये देखो, धाम जो है लगा रहा है पहाड़ों के इधर, देख रहे हैं ना आप लोग। हम लोग कहाँ आ गए? उस साइड में आप लोग देखोगे तो उस साइड में भी पहाड़, एंड इस साइड में आप लोग देखेंगे ना तो ऊपर देखो ये पहाड़, पूरा इस तरफ में भी पहाड़ एंड उस तरफ में भी। हम लोग अभी 2 पहाड़ों के बीच में है। नहीं होगा रे भाई, थोड़ा रेस्ट करना होगा, बहुत थक गया मैं। 9 बजे से आ रहे हैं, अभी 1 बज गया और डेढ़ घंटा लगेगा भाई। और पीछे देख लो आप लोग, ये क्या है, ऐसा पहाड़ मैंने जिंदगी में नहीं देखा, एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम हो रहा है। मैंने अब लोगों को बहुत बार बोल दिया पहले भी, ये मेरा लाइफ का जो पहला एक्सपीरियंस होने जा रहा है, ये ऐसा पहाड़ मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और प्लस ऐसा जंगली वाला ऐसा मतलब फॉरेस्ट मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं इधर उधर जाता रहता नहीं हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा। ये देखो, देख लो दोस्तों, 1990s का पुल है ये, बहुत ही पुराना हो गया, हम लोग से भी ज़्यादा उम्र हो गया ये पुल का। और ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2 बंदे यहाँ से गए थे, थोड़ा बुजुर्ग थे वो लोग, उन लोग से पूछा ये कब बनाया, वो लोग बोल रहे थे बहुत 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 साल पहले बनाए थे। एंड अभी हम लोग यहाँ से पानी पीने वाले हैं, दुकान वुकान है नहीं इधर, इसीलिए हम लोग को यहाँ ही से पानी पीना हो रहा है दोस्तों।
आओ, जंगल में रहने से ऐसे ही करके पानी पीना होता है। कोई लोग तो सोचेंगे कि भाई ये गंदा पानी पी रहा है, लेकिन ये हम लोग के लिए गंदा पानी नहीं है। जो लोग बेंगलोर में रहते हैं उनको पता होगा कि पानी का वो मतलब कीमत क्या होता है एंड कैसे करके क्या करके, जो लोग को पता है उन लोग को पता है। बिस्किट खाते ही हम लोग और आ गए थे, और आधा घंटा आने के बाद और पहुंचे एक दूसरे लोकेशन पे। यहाँ में और हम लोग फिर से खा रहे हैं अचार। ये क्या अचार है? इमली। इमली का जो है ये अचार है, एंड हम लोगों ने थोड़ा यहाँ में डाला और अभी यहीं से खाएंगे हम लोग। तो आते 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 दोस्तों हमें यहाँ में मिला एक मंदिर जो कि शिव भगवान का मंदिर है। और ये देखो यहाँ में है शिव भगवान का मंदिर, एंड लेफ्ट साइड में है ये पहाड़। देखो बहुत ही सुंदर। शिव भगवान से हम लोग दर्शन हुए एंड बहुत अच्छा लगा, और ये देखकर टीका भी लगा ली हम लोगों ने। तो अभी हम लोग को और जाना होगा। कितना समय लगेगा? और तुमको तो पता है एक घंटा लगेगा। और हम लोग टाइम कितना हो रहा है? 2 बज गया ना अभी। दो बजे आए थे, 5 आवर हो गया और अभी भी नहीं पहुँचे हम लोग ना। हम लोग जल्दी पहुँचना था दोस्तों। एक्चुअली इन लोग को हम लोग रुक के जाते हैं ना, ये लोग साइकिल से आते हैं और साइकिल से आए हैं, तो हम लोग बाइक से फुर करके जाएंगे एंड वहीं पे रुकते रहते हैं हम लोग इन लोग के लिए। तो चलो अभी चलते हैं। बहुत अच्छा लगा ये मंदिर में आके, छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत अच्छा है। तो हम लोग को पहुंचने के लिए और 2-3 मिनट चाहिए होगा, तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे इनके ससुराल घर। ठीक है, तो 4:50 हुआ है और हम लोग थोड़ा देर पहले ही पहुंचे थे, है कि नहीं भाई? है तू? और मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, ये देख लो, इसी घर में मुझे ही लाया है बंदा। तो हम लोग खाना खाया, खाना खाते ही थोड़ा देर मतलब ये उधर अंदर में मतलब गर्म सा फीलिंग हो रहा था, तो हम लोग अभी थोड़ा बाहर हवा, यहाँ दीवान का हवा बहुत ही अच्छा होता है मैंने सुना, तो इसलिए अभी आया हूँ मैं थोड़ा ठंडा हवा खाने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आज यहाँ आके। वहाँ स्पेशली वो जो रास्ता है ना पहाड़ के बीचों बीच, पूरा बहुत ही मज़ा आया। ये इसका तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये ऑलरेडी आ चुका है ना। मैं अभी एक चीज़ नोटिस किया, वो क्या है पता है? थोड़ा भी टावर नहीं। इवन ना मेरा मम्मी लोग को कॉल करने के लिए घर में, यानी कि मेरा घर में कॉल करने के लिए भी थोड़ा भी टावर नहीं है। फुटबॉल ग्राउंड एक है वहाँ में, तो हम लोग गया उधर, तो अभी मम्मी लोग को इन्फॉर्म करके मैं आ रहा हूँ। भाई बहुत मुश्किल है यहाँ। मेरे प्यारे प्यारे भैया लोग एंड उनके बहनों, तो मैं आज का जो ये वीडियो है यहीं पे समाप्त करूँगा। वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया मैं मानता हूँ। जो भी चीज़ें आते रहते हैं ना, मैं रास्ता में आते आते जो भी चीज़ें देखने मिलता है हमको, देखता हूँ मैं वो, आप लोगों को दिखाने मन होता है तो इसलिए मैं बनाते रहता हूँ। तो बस इतना ही आज के लिए, इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।